Hi kids, welcome to your SST class and I am your teacher and mentor Ananya and I am back with a new lesson of your book that is Jelly Bean Journeys by Brain Root Publications. Children, अभी तक हमने इस बुक में जो है ऑलमोस्ट 16 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 17. And chapter number 17 is about Indian freedom struggle. All right. So the title, as you can see, the freedom struggle. इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत आज़ादी के लिए जब लड़ रहा था, यानी भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए जब जंग लड़ रहा था, तो क्या-क्या परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा. All right. इससे पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ी हुकूमत धीरे-धीरे इंडिया पे अपना कब्ज़ा जमा चुकी थी और कम्प्लीटली जो है उन लोगों ने इंडिया को टेक ओवर कर लिया था. और 1857 का रिवोल्ट भी हमने पढ़ा है कि किस तरीके से मंगल पांडे और बाकी स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है पहला युद्ध लड़ा था. ठीक है, हालांकि वो उसमें सफल नहीं हुए थे, लेकिन उनकी इस कोशिश ने लाखों भारतीयों के मन में एक चिंगारी जला दी थी कि किसी भी तरह हम सभी को स्वतंत्र होना है. ऑल राइट, सो आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स बिगिन. बिफोर वी स्टार्ट, लेट अस अंडरस्टैंड हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे. सो वी वुड बी कवरिंग द फॉलोइंग टॉपिक्स. वी वुड स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, देन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स, देन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेवोल्यूशनरीज हु वर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रगल. We will read about Indian National Congress and then we are also going to study about the Swadeshi movement. All right. But before we start, see, certain pictures of great freedom fighters are given here. इसमें से आप बहुत से लोगों को जानते होंगे. These are very very popular and common faces. और इन्होंने freedom fight करते हुए कुछ slogans दिए थे, कुछ नारे दिए थे जो कि बहुत पॉपुलर हैं. अब वो नारे यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको बताना है कि कौन सा नारा किसने दिया था. ऑल राइट, जैसे कि ये है महात्मा गांधी की तस्वीर, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये हमारे बाल गंगाधर तिलक और ये हैं हमारे भगत सिंह. ठीक है, और यहाँ पे चार जो हैं स्लोगन्स दिए हुए हैं, चार नारे लिखे गए हैं. Give me blood, I shall give you freedom. Quit India, Inqilab Zindabad. Swaraj is my birthright and I will have it. तो हमें बताना है कि इनमें से किस किसने क्या किया दिया था. Give me blood and I shall give you freedom. तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ये जो स्लोगन था, ये जो नारा था, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था. तो we will write A here. Okay? नेक्स्ट इज क्विट इंडिया, यानी भारत छोड़ो. तो भारत छोड़ो जो है वो हमारे महात्मा गांधी ने दिया था, यानी प्यारे बापू ने दिया था. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. देन इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा जो है भगत सिंह ने दिया था. एंड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, यानी स्वतंत्रता स्वाधीनता जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मुझे पाने से कोई नहीं रोक सकता. ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था. तो हम जो है डी यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट स्लोगन्स गिवन बाय द फ्रीडम फाइटर्स ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. सो लेट अस बिगिन. इंट्रोडक्शन. द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड क्रिएटेड अ न्यू अवेकनिंग अमंग द इंडियन पीपल. द पीपल ऑफ इंडिया वॉन्टेड टू बी फ्री फ्रॉम द फॉरेन रूल. जैसा कि बच्चों हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया है कि 1857 का जो संग्राम था, है ना, 1957 में जो क्रांति की एक चिंगारी भड़की थी, उसने लोगों के मन में एक उम्मीद की किरण जगा दी. लोगों में एक अजीब सा जोश जग गया, लोगों में एक आशा जग गई कि अगर हम एकजुट होकर प्रयास करेंगे तो फिर हम अंग्रेज़ों को भारत से निकाल सकते हैं और अपना देश वापस ले सकते हैं. Indian society at that time suffered from a number of social ills. These were coming up in the way of our fighting the British ruler as a united people.
The rigid caste system kept the Indian people divided. Illiteracy, especially among women, was the curse. A number of evil social practices would not let people look forward. अब अंग्रेजों को किस बात का फायदा हो रहा था? अंग्रेजों को इंडियंस की सोच का फायदा हो रहा था. जिस वक्त अंग्रेजी हुकूमत भारतीय लोगों पर राज कर रही थी, उस वक्त भारत में कई तरह की परेशानियां थी. ठीक है, अंग्रेजों की वजह से तो परेशानियां थी ही, इंटरनली भी बहुत तरह तरह की समस्याएं थी. जैसे कि कई तरह की कुप्रथाएं थी जो कि हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, या फिर हमें एकत्रित या एकजुट होकर नहीं पार्टिसिपेट करने दे रही थी. हम लोग भेदभाव में ही उलझे हुए थे. हम अनटचेबिलिटी, छुआछूत, कास्ट सिस्टम, ऊंची जात, नीची जात, इन्हीं में उलझे हुए थे. कई लोग जो है पढ़े लिखे नहीं थे, स्पेशली द वुमेन, है ना. औरतें जो है तब पढ़ती लिखती नहीं थी. उस दौर में औरतों का पढ़ना लिखना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाता था. वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था. इसके अलावा भी कई सारी ऐसी समस्याएं थी, जैसे सती प्रथा हो गई, या दलितों के खिलाफ एक तरह से शोषण हो गया. बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिसकी वजह से भारत एकजुट होके एक संगठित परिवार की तरह किसी के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था, और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है ब्रिटिशर्स उठाते आ रहे थे. सोशल रिफॉर्मर्स, मेनी सोशल रिफॉर्मर्स केम फॉरवर्ड टू लिबरेट इंडियन पीपल फ्रॉम देयर ओन सोशल ईविल्स. सम नेम्स दैट स्टैंड आउट इंक्लूड राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान, नारायण गुरु एंड स्वामी दयानंद. अब बहुत ज़रूरी था कि अंग्रेज़ों से हम लड़ने से पहले खुद को सशक्त बनाएं, यानी खुद की मजबूती करें, सब एकजुट होके एकत्रित होके लड़ना शुरू करें. और ये तभी हो सकता था जब हम सब अपनी जो ये सोच है, या फिर अपना जो ये रवैया है, है ना, ये जो अननेसेसरी चीज़ों में हम उलझे हुए हैं, उससे हम थोड़ा हट के आगे बढ़ सकें. और इसी को करने के लिए कई सारे जो है समाज सुधारक सामने आए. इन समाज सुधारक या सोशल रिफॉर्मर्स में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर्स थे, जिनका काम सराहनीय है, उनका नाम है राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सती प्रथा को बंद किया था. ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि विधवा विवाह प्लस औरतों की शिक्षा के लिए बहुत अग्रसर थे, काम किया था. इसके अलावा स्वामी दयानंद, सर सैयद अहमद खान और नारायण गुरु जैसे इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर्स ने इंडिया को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में मदद की है. समाज का एक तरह से नया निर्माण हुआ, जहाँ पे लोगों ने इन सब कुप्रथाओं को पीछे छोड़ना सही समझा. क्योंकि हम बाहरी ताकत से तभी लड़ पाएंगे जब हम अंदर की सारी समस्याओं को मिटा सके. ऑलराइट, नाउ दे इरेडिकेटेड इवल्स लाइक सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, पर्दा एंड कास्ट सिस्टम. पीपल वर इंस्पायर्ड बाय मॉडर्न आइडियाज एंड एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश. मेनी न्यूज़पेपर्स वर स्टार्टेड इन इंडियन लैंग्वेजेस. थ्रू देम ऑर्डिनरी पीपल केम टू नो अबाउट द मिसरूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. The problems faced by Indians were highlighted in these magazines and newspapers. पहले क्या था, जब आप अशिक्षित होते हो, आप अनपढ़ होते हो, आपको कुछ भी समझा देंगे, आप बोलोगे हाँ सही बोल रहा है. लेकिन जब आपको उस विषय का ज्ञान हो जाएगा, आपको अच्छे से उस बारे में पता होगा, तब आप बोलोगे कि नहीं ये गलत है ना. तो यही इंडियंस के साथ भी हो रहा था. इंडियंस की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड ही नहीं थी. तो उनको जो भी समझाते थे ब्रिटिशर्स, इंडियंस को लगता था हाँ ये सही हो रहा है. और बाकी जो लोग थोड़ा बहुत साहस करके आवाज़ उठाते थे, उनको ब्रिटिशर्स जो है अत्याचार करके कुचल देते थे, एक डर का माहौल बना के रखते थे. अब इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि लोग शिक्षित हो या लोग एजुकेटेड हों. जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा प्रदान की जा सके. इसके अलावा उन्होंने अपनी रीजनल लैंग्वेज में, पहले सिर्फ इंग्लिश में ही काम हो रहा था, अब हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, उर्दू में भी जो है मैगजीन्स यानी पत्रिकाएं और न्यूज़पेपर, अखबार छापे जाने लगे. इन अखबारों में जो है ब्रिटिशर्स जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट कर रहे थे, जिस तरीके का अत्याचार कर रहे थे,
उन सभी बातों को लिखा गया और इन सब को पढ़ने के बाद फाइनली जो आम जनता थी, जो इतना अच्छे से नहीं जानती कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे रियलाइज़ होना शुरू किया कि एक्चुअली ब्रिटिशर्स उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं और ब्रिटिशर्स सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, वो किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अ फैक्ट, इन 1822 राजा राम मोहन रॉय बिगेन पब्लिशिंग अ न्यूज़पेपर टाइटल्ड मिरत उल अकबर मिरर ऑफ न्यूज़ इन पर्शियन। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फर्दर। इंडियन नेशनल कांग्रेस, द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड सोड द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म इन इंडियंस। दे रियलाइज दैट द नीड फॉर अ प्लेटफॉर्म विच कैन रिप्रेजेंट ऑल इंडियंस। ऑल दीज रीजंस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ, यानी एक ऐसा ग्रुप तैयार किया गया जहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में डिस्कशन हो पाए। ठीक है, सो INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पहले स्टार्ट हुआ 1885 में। अब लोगों के पास एक फोरम था, एक ग्रुप था जहां वो आकर अपने ओपिनियंस रख सकते थे, एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते थे, क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ये सब वो देख सकते थे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाई A.O. ह्यूम, अ रिटायर्ड ICS ऑफिसर। Its first president was W.C. Banerjee. The aim of this organization was to draw the attention of British towards the difficulties and demands of people. अब जब initial stages पे Indian National Congress का formation हुआ था, तब उनका पहला aim ये नहीं था कि Britishers को एकदम से ही बाहर निकालना है। पहले उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी समस्याओं को Britishers के सामने रखा जाए, पहले Britishers के साथ बात करके देखा जाए कि हम इंडियंस को तरह तरह की समस्याएं हो रही हैं, जो इंडियन लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको पहले ब्रिटिशर्स के सामने पकड़ा जाए, क्या पता वो लोग हमारी समस्याओं को समझें और उसको सुलझाने का काम करें। सो दे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिशर्स टूवर्ड्स द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडियन पीपल। ऑल राइट, एंड इट्स फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड इन बॉम्बे। मतलब INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन जिसमें ये सारे मुद्दे डिस्कस हुए थे, वो पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था, जो कि अब मुंबई के नाम से फेमस है। ऑल राइट, देयर आफ्टर एवरी ईयर द कांग्रेस हेल्ड इट्स सेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसके बाद एक एक करके हर साल कांग्रेस अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग शहरों में हर साल अपना सेशन करता था, जहां लोग मिलते थे और अपना प्रोग्रेस डिस्कस करते थे और इम्पॉर्टेंट जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा करते थे। सम ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ कांग्रेस वर दादा भाई नैरोजी, SN बैनर्जी, GK गोखले, मदन मोहन मालविया, MG रानाडे एंड बरुद्दीन तैयबी। दे डिड अ लॉट टू अराउज द नेशनल स्पिरिट ऑफ द पीपल। सी, द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस तरीके से लोग जो हैं उस दौर में एकजुट होके डिस्कशंस के लिए आते थे। ऑलराइट, सम लीडर्स ऑफ द कांग्रेस बिलीव्ड इन द मेथड्स ऑफ पेशेंस एंड पर्सुएशन। दे वर द मॉडरेट्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। अब बच्चों, दो तरह के लोग हैं, हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती। राइट, कुछ लोगों का मानना है कि हम बातचीत करके चीज़ों को सुलझा सकते हैं, यानी किसी के साथ शांति से बैठ के बात करेंगे, उसे अपनी समस्याएं समझाएंगे तो शायद सामने वाला समझ जाएगा और इजीली बिना किसी लड़ाई के, झगड़े के जो है बातें सुलझ जाएंगी। कांग्रेस में भी ऐसे ही कुछ लोग थे। अब ये जो लोग थे जो हमेशा शांति के पथ पे चलते थे या फिर बातचीत करके डिस्कशंस के थ्रू समस्याओं का हल निकालना चाहते थे, इनको हम मॉडरेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्हें हम मॉडरेट्स बोलते हैं। राइट, तो शुरू के दौर के जो कांग्रेस लीडर्स थे वो ज़्यादातर मॉडरेट्स थे। उन सभी का यही मानना था कि ब्रिटिशर्स से अगर हम प्यार से बात करेंगे, उन्हें अगर हम प्यार से कोई चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी समस्याओं को समझेंगे और उन्हें दूर भी कर देंगे। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं था। ब्रिटिशर्स तो सिंपली हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, भारतीय जनता का शोषण कर रहे थे। ठीक है,
कुछ लीडर्स जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, वीओसी पिल्लई, ये सब इस सोच से थोड़ा अलग हटके सोचते थे। उनका मानना है कि अगर ब्रिटिशर्स से बात करके बन सकती तो फिर इतने साल से वो हम पे अत्याचार नहीं करते, इसीलिए अब बात करके काम नहीं होगा, हमें उनके खिलाफ कड़े तौर से आवाज़ उठानी पड़ेगी और हमें उनके खिलाफ एक तरह से युद्ध करना होगा, एकजुट होकर लड़ना होगा, तभी बात बन सकती है, तभी ब्रिटिशर्स हमारी बात को मानेंगे। ठीक है, दे वर असर्टिव नेशनलिस्ट और रेडिकल्स, और जो लोग ये सोचते थे कि ब्रिटिशर्स से सिर्फ बातचीत करके बात नहीं होगी, ज़रूरत पड़ने पे हमें हथियार भी उठाना पड़ेगा, हमें उनके खिलाफ लड़ना भी होगा, ऐसे लोगों को रेडिकल्स बोलते थे। ऑलराइट, बाल गंगा तिलक डिक्लेयर्ड फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बाल गंगा तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई मुझे दान में देगा और मुझे किसी से भीख मांगनी पड़ेगी, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूँगा। ही रोट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन हिज पेपर द केसरी, उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया केसरी के नाम से, जिसमें वो ब्रिटिशर्स के जो अत्याचार हैं, जो जुल्म है, या ब्रिटिशर्स की जो ईविल प्लान्स है, जो षड्यंत्र है, उनके बारे में ओपनली छापना शुरू कर दिया और इसी वजह से उनको कई बार जो है अरेस्ट करके जेल जाना पड़ा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक वॉज गिवन द नेम ऑफ लोकमान्य तिलक, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, उनकी साहस के लिए उनको लोकमान्य तिलक का खिताब दिया गया। दीज आर द फाउंडेशन मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, कैन यू सी दीज पीपल। ठीक है, बाय हिज फॉलोअर्स विच मीन्स रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड बाय द पीपल, यानी लोकमान्य का मतलब होता है जो लोग किसी इंसान को मानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तो इसीलिए उनको लोकमान्य तिलक के नाम से बताया गया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक गेम प्लान था जो ब्रिटिशर्स शुरू से खेलती आ रही थी, यानी फूट डालो और राज करो। शुरू से ही डे वन से ब्रिटिशर्स हमेशा से ही यही करते आए हैं, दो राजाओं को आपस में लड़ा देते थे और फिर अपना फ़ायदा देख लेते थे, ब्रिटिशर्स हमेशा ही ये करते थे। द ब्रिटिश रूलर्स थॉट द इंडियन पीपल कुड बी डिवाइडेड ऑन रिलीजियस लाइन्स, द मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल विड बिकम वीक, अगर हम रिलीजियस यानी धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा दे तो फिर बहुत इजीली लोगों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है और इंडिया के लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो किसी का ध्यान ब्रिटिशर्स पे जाएगा ही नहीं, ये एकजुट भी नहीं होंगे और ये हमारे अगेंस्ट आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे। तो इसी एम के साथ उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड करने की पहली जो है नींव रखी। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डिवाइड द हिंदूज एंड मुस्लिम्स वॉज मेड इन 1905, जब उन्होंने बंगाल का पार्टीशन करने की सोची। पहले आज का जो वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश है ये एक ही था, मतलब ये इंडिया का ही पार्ट था। ठीक है, पहले ये अलग नहीं था, ये बाद में अलग हुआ। बंगाल वॉज प्रपोज टू बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, बंगाल को दो हिस्सों में बांटने का प्रपोजल दिया गया। वन पार्ट वुड हैव मुस्लिम्स इन मेजॉरिटी, एक पार्ट में बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स रहेंगे, एंड अदर वुड हैव हिंदूज, दूसरे में हिंदूज रहेंगे। बट द पीपल ऑफ बंगाल सॉ थ्रू द ब्रिटिश गेम दे रेजिस्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, लेकिन बंगाल के लोग ऑलरेडी ब्रिटिशर्स की चालें सिराजुद्दौला के टाइम से भुगत चुके थे, इसीलिए वो इस चाल को बहुत ही आसानी से पकड़ चुके थे और उन्होंने इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट किया और इसके खिलाफ वो डट कर खड़े हो गए कि नहीं, कोई भी पार्टीशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद जब गांधी जी ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एंट्री ली, मतलब चंपारण मूवमेंट के दौरान गांधी जी आगे बढ़ के आए, तब हमने स्वदेशी मूवमेंट अपनाया। लोगों को बोला गया कि जितने भी विदेशी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप बहिष्कार कीजिए, उनका इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, आप स्वदेशी चीज़ें अपनाएं ताकि हमारे लोगों को काम मिल सके, हम अंग्रेज़ों की कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्हें ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि उनके बिना भी हम आराम से जी सकते हैं, उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और इसी सोच के साथ स्वदेशी मूवमेंट जो है लॉन्च किया गया।
The people of India now became aggressive in their fight. The Congress launched the Swadeshi movement. The plan was to boycott goods made in Britain. Yani Britain se jo goods aa rahe the, saman aa rahe the, usko na use kare. Usko bilkul haath bhi na lagaye. Ye plan shuru hua. British made cloth was burnt in heaps at different places all over the country. People were asked not to buy goods that were made in Britain. In their place, they were only buy the goods made in their own country, that is Swadesh. Yani ki लोगों को बोला गया कि आप कोई भी ऐसा कपड़ा ना इस्तेमाल करें या कोई भी ऐसी चीज़ ना इस्तेमाल करें जो कि विदेशी मिलों से आ रही है या ब्रिटेन से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होकर आ रही है. इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, आप देश की चीज़ों का इस्तेमाल करें. देश में जो कपड़ा बन रहा है उससे अपने कपड़े बनाएं. और लाखों लोगों ने जो है, जैसे होलिका दहन होता है ना, होली से पहले हम चीज़ें जलाते हैं होलिका में, उसी तरह लाखों लोगों ने जो है स्वदेशी मूवमेंट के चलते बहुत सारे कपड़े, विदेशी सामान सबको इकट्ठा करके जगह जगह जलाना शुरू कर दिया. ये एक तरह से ब्रिटिशर्स को दिखाने की कोशिश थी कि हम आपका बहिष्कार कर रहे हैं, हम बॉयकॉट कर रहे हैं, हम आपको नहीं मानते, आप देश छोड़ के चले जाओ. Boycott of the British made goods would have very adverse effect on British interests. So the rulers took very strong action against the leaders of Swadeshi movement. उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छे से पता था अगर बॉयकॉट हो गया, स्वदेशी मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया, तो फिर ब्रिटिशर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी. तो उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के जो लीडर्स थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो है सज़ा देनी शुरू कर दी या उनके साथ बहुत ही हार्श बिहेवियर शुरू कर दिया. द प्रोसेशनिस्ट वर बीटन एंड हिट विद पुलिस लाठीज बट द मूवमेंट स्प्रेड फ्रॉम बंगाल टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक बॉम्बे, पुणे, मद्रास एंड सो ऑन. द प्लान टू पार्टीशन बंगाल हैड फाइनली कैंसल्ड इन 1911. यानी 6 साल तक ये चलता रहा स्वदेशी मूवमेंट. हज़ारों लोगों को पीटा गया, जेल में बंद कर दिया गया, फिर भी जब ब्रिटिश इन्हें नहीं दबा पाई, फाइनली बंगाल के पार्टीशन को वहीं पे रोक दिया गया 1911 में. ठीक है, ब्रिटिशर्स को ये बात समझ आ गई कि इस वक्त बंगाल को अलग करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है. द जलियांवाला बाग मैसेकर. अब ब्रिटिशर्स ने बंगाल पार्टीशन तो रोक लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दहशत नहीं फैलाना चाहते थे. उनका मेन काम यही था कि किसी भी तरह से ये जो लोग हैं, जिन लोगों के मन में ये भावना है कि ब्रिटिशर्स को निकालना है, इसको हटाने की बहुत ज़रूरत है. और ये तभी हट सकता है जब लोग डर जाएं, लोगों में एक डर का माहौल हो जाए, जब लोग ये मान लें कि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और उनसे लड़ने का मतलब है कि आपको अपनी जान भी देनी पड़ सकती है. तब उन्होंने जलियांवाला बाग कांड किया. क्या हुआ था जलियांवाला बाग में? On 13th April 1999, a peaceful public gathering of about 10,000 men and women and children was held in Jallianwala Bagh in Amritsar. Amritsar में वहाँ के पुलिस गवर्नमेंट के प्रोटेस्ट करने के लिए एक शांति प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया. करीब 10,000 या उससे ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद थे बाग के अंदर, जो लोग बैठ के चुपचाप जो है प्रार्थना सभा आयोजित कर रहे थे और ये एक तरह से प्रोटेस्ट करने का काम था. उस वक्त अमृतसर में जनरल डायर पोस्टेड थे पुलिसकर्मी के तौर पे. जनरल डायर को ये मौका बहुत, मतलब उनको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखी, उन्हें ये सुनहरा मौका लगा. इससे ज़्यादा दहशत कैसे फैलाई जा सके, उन्होंने अपनी आर्मी को जो है ऑर्डर दिया कि जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लो, बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दो. और बंद करने के बाद जब पूरा ये श्योर हो जाए कि कोई कहीं से भाग नहीं सकता, तब आप अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दो. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे एग्जिट्स को ब्लॉक कर दिया और गोलियां चलानी शुरू कर दी. यानी दे स्टार्टेड फायरिंग इनसाइड द पार्क विदाउट एनी वार्निंग. बिना किसी वार्निंग के उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसकी वजह से पार्क के अंदर यानी जलियांवाला बाग के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी मर गए. कुछ लोग गोलियों से मर गए, कुछ बचने के लिए वहीं पे कुओं में जंप कर गए, ठीक है ना, या कुछ लोग भागते भागते एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए कुचले गए.
तो मतलब बुरी तरह से इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई। दिस इंसिडेंट स्पार्क फ्रेश रो ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड गेव बर्थ टू अनदर ग्रेट मूवमेंट। अब ब्रिटिशर्स को लगा था कि लोग इससे दहल जाएंगे और डर जाएंगे। कुछ देर के लिए उन्हें झटका तो लगा इंडियंस को, क्योंकि वो इस तरह का जो नरसंहार उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्हें ब्रिटिशर्स का ये रवैया बर्दाश्त से बाहर था। वो सोच ही नहीं पाए कि शांति से जब कोई प्रार्थना कर रहा है उस वक्त भी ब्रिटिशर्स इतना घिनौना काम कर सकते हैं। इस तरीके से जो है बिना किसी बात के गोलियां चलवा के लोगों को मार सकते हैं, और इसी बात ने उनमें और ज़्यादा जो है गुस्सा और आक्रोश पैदा कर दिया। अब तो जो भारतीय लोग थे वो और ज़्यादा ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हो गए, और इससे ही एक नए संग्राम का जो है जन्म हो गया, द खिलाफत मूवमेंट। द वर्ड खिलाफत मीन्स प्रोटेस्ट, यानी हम जब किसी के अगेंस्ट में रोक कर खड़े हो जाते हैं। द मुस्लिम्स इन इंडिया वर एनरेज्ड बाई ट्रीटमेंट मेटेड आउट इन सुल्तान ऑफ टर्की। सुल्तान ऑफ टर्की के साथ जिस तरह से ब्रिटिशर्स पेश आ रहे थे, उससे जो मुस्लिम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे और बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उन लोगों ने खिलाफत मूवमेंट जो है शुरू किया अंडर द गाइडेंस ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया, और उसमें कई सारे लीडर्स थे जैसे कि एम ए अंसारी, सैफुद्दीन किचलू है ना, एंड द अली ब्रदर्स। इन लोगों ने ये खिलाफत मूवमेंट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लॉन्च किया, और इसी के चलते एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ जिसको हम बोलते हैं असहयोग आंदोलन। यानी किसी भी कीमत पे हम ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इन 1920 द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाई महात्मा गांधी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मसाकेयर एंड द अनजस्ट अनफेयर एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। महात्मा गांधी ने ये असहयोग आंदोलन लॉन्च किया। महात्मा गांधी आज पीपल नॉट टू कोऑपरेट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट बाई पीसफुली रेजिस्टिंग द गवर्नमेंट। दे बॉयकॉटेड फॉरेन क्लोथ्स, पिकेटेड लीकर शॉप्स, लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट जॉब्स एंड अबंडेंट गवर्नमेंट फैसिलिटीज़। यानी कि उस जमाने में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हर एक फैसिलिटी को इंडियंस ने छोड़ दिया। स्कूल जाना बंद कर दिया, ब्रिटिश स्कूल्स में बच्चों को भेजना बंद कर दिया, ब्रिटिश जॉब्स में जो लोग थे उन लोगों ने अपनी जॉब्स छोड़ दी। सब ने नहीं छोड़ी, लेकिन काफ़ी लोगों ने छोड़ी, बहुत ज़्यादा संख्या में। ठीक है, जो लिकर शॉप्स थे उनको बंद कर दिया गया। इसके अलावा जो भी उनके जैसे स्वदेशी मूवमेंट में ब्रिटिश गुड्स का बहिष्कार किया गया था, बिल्कुल उसी तरीके से इस समय भी जो है जितने भी चीज़ें थी उसको विरोध किया गया, उसको फेंक दिया गया, जला दिया गया, ताकि ब्रिटिशर्स को ये बात अच्छे से समझाई जा सके कि हम आपके डराने से डर नहीं रहे हैं, उल्टा हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, हम इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठा रहे हैं। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज मेजर सेटबैक फॉर द गवर्नमेंट। द मूवमेंट वॉज लेटर ज्वाइंट बाई द खिलाफत मूवमेंट एंड बिकम अ बिगर प्रॉब्लम फॉर ब्रिटिश। अब दोनों नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स आपस में हाथ मिला चुके थे, और ये एक बड़े मूवमेंट के तौर पे सामने आया, और ब्रिटिशर्स को ये एक चैलेंज लग गया। अब ब्रिटिशर्स को लगने लगा ये तो बहुत बड़ी मुश्किल समस्या है, हम तो मुस्लिम्स और हिंदूज को अलग करने की सोच रहे थे, लेकिन ये सब तो एकजुट होके हमारे साथ ही लड़ने के लिए आ गए हैं। दिस स्ट्रेंथेड द हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड द ब्रिटिश वर वेरी ऑफ। अनफॉर्चुनेटली अ वायलेंट इंसिडेंट टुक प्लेस इन चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश इन 1922। चौरी चौरा गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन पर एक बड़ा ही अद्भुत सा कांड हुआ। कुछ लोगों ने जो है यहाँ पे पुलिस स्टेशन में, और मतलब कुछ गांव वालों ने बेसिकली चौरा चौरा के आसपास के जो गांव थे वहाँ के कुछ लोगों ने गुस्से में आकर पुलिस स्टेशन के लोगों पर हमला कर दिया, यानी पुलिस जो वहाँ पे थी उस पर हमला कर दिया। ठीक है, एंड कुछ पुलिसमैन, करीब 22 पुलिसमैन इस चीज़ पे मारे गए। महात्मा गांधी को इस चीज़ से बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो हमेशा अहिंसा के पुजारी थे, वो हमेशा सोचते थे कि हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे। एंड ही विड्रू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट
उन्होंने सोचा कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो धीरे धीरे एक अलग ही रूप लेता जा रहा है, फिर हम में और ब्रिटिशर्स में क्या फ़र्क है। उन्होंने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वहीं रोक दिया और पीछे हट गए। द रेवोल्यूशनरीज, अब हम आते हैं क्रांतिकारियों के बारे में। हम रेडिकल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हम मॉडरेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। बच्चों मॉडरेट्स वो लीडर्स थे कांग्रेस के जो ये सोचते थे कि बातचीत के द्वारा किसी भी समस्या का हल हो सकता है, यानी अगर हम शांति से बैठ के डिस्कशन करेंगे तो समस्याएं सुलझ जाएंगी। उसके बाद कांग्रेस में कुछ ऐसे लीडर्स थे जो लोग मॉडरेट्स थे, यानी कि जिनका मानना था कि बातचीत एक टाइम तक ही ठीक है, अगर बातचीत से बात नहीं बन रही तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, तो हमें लड़ना पड़ेगा और हम लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे, ये थे मॉडरेट्स। लेकिन जब इन दोनों से काम नहीं बना, ना तो बातचीत से काम बनी और ना ही किसी लड़ाई से काम बनी, तब फाइनली एक दौर आया क्रांतिकारियों का, जिन लोगों ने ब्रिटिशर्स को ब्रिटिशर्स की भाषा में ही जवाब देने का सोचा। उन लोगों ने ठान ली कि ब्रिटिशर्स जिस भाषा को समझते हैं हमें भी उन्हें उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा, तभी वो हमसे डरेंगे या हमारी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। अ सेक्शन ऑफ इंडियंस बिलीव दैट वायलेंस शुड बी फॉट विद वायलेंस, यानी अत्याचार का जवाब अत्याचार ही हो सकता है, ठीक है, ऐसा रेवोल्यूशनरीज का मानना था। देवर ऑफ द ओपिनियन दैट ओनली एन आर्म स्ट्रगल वुड बी इफेक्टिव मेथड टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल, और इन लोगों का मानना था कि ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं मानेंगे, वो कभी भी हम पे गोलियां चला रहे हैं, कभी भी लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनको उन्हीं की भाषा में उत्तर देना पड़ेगा, हमें भी हथियार उठाने पड़ेंगे, वरना ब्रिटिशर्स हमेशा ही हमें हराते रहेंगे। दे वर कॉल्ड रेवोल्यूशनरीज, और ऐसे लोगों को रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी कहा जाता था। खुदीराम बोस एन 18 ईयर ओल्ड वॉज हैंग्ड बाई द ब्रिटिश रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज। रेवोल्यूशनरीज लाइक भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर सावरकर, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, बी के दत्त, जतिन दास एंड अशफाकुल्ला खान, ये सभी लोग जो हैं रेवोल्यूशनरीज यानी क्रांतिकारी के नाम से जाना जाता है। बहुत लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपनी जान को निछावर कर दिया, यानी अपनी जान की परवाह किए बिना जो है पूरे जोश के साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट लीडर्स लाइक चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, वीर सावरकर एंड सुखदेव थापर। ओके, सम पीपल वेंट टू फॉरेन कंट्रीज टू विन सपोर्ट फॉर इंडियन स्ट्रगल, कुछ लोग इनमें से जो है फॉरेन कंट्रीज में भी गए ताकि वहाँ पे जो इंडियंस है उनको एकजुट किया जा सके, उनको हमारी समस्याओं के बारे में पता चलेगा, तो वो लोग भी अगर आकर हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो इंडिया की स्ट्रेंथ और बढ़ेगी और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना और ईजी हो जाएगा। मैडम भीकाजी कामा वेंट टू जिनीवा एंड स्टार्टेड अ पेपर कॉल्ड वंदे मातरम। मौलाना बरकतुल्ला एंड राजा महेंद्र प्रताप वेंट टू काबुल एंड गाइडेड द फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम देयर। द पीपल फ्रॉम पंजाब हु हैड सेटल्ड इन अमेरिका फॉर्म्ड गदर पार्टी टू हेल्प द रेवोल्यूशनरीज इन इंडिया, यानी कि एक वक्त में ना केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी जो भारतीय लोग थे वो सब भी एकत्रित हो गए। उन लोगों ने भी कोशिश की कि किसी भी तरीके से हम भारत में अभी हम रह नहीं रहे तो क्या हुआ, लेकिन भारत है तो हमारा अपना देश, वहाँ से ब्रिटिशर्स को भगाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनको वहाँ से निकालने के लिए हर तरीके से वो लोग अलग अलग तरीके से कोशिश करने लगे। इन 1914 वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। मैनी इंडियंस हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द होप दैट दे वुड बी ग्रांटेड फ्रीडम, कुछ भारतीय लोगों ने ब्रिटिशर्स की मदद की वर्ल्ड वॉर एक के दौरान, और ये सोचा कि शायद इस मदद करने की वजह से ब्रिटिशर्स हमारे समस्याओं को समझेंगे और हमें आराम से आज़ादी दे देंगे, पर क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन देयर होल्ड ऑन इंडिया, दे मेड स्ट्रिक्ट लॉज एंड यूज एन आयरन हैंड टू अप्लाई देम। मेनी रेवोल्यूशनरीज वर इम्प्रिजन्ड, हैंग्ड और एग्जाइल्ड, बट देयर हीरोइक डीड्स इंस्पायर्ड मेनी जनरेशंस ऑफ इंडिया। सो बहुत से लोगों को जो है ब्रिटिशर्स ने इस दौरान जो है जेल में भेज दिया, फांसी की सज़ा दे दी,
उम्र कैद सुना दी, मतलब हर चीज़ में ब्रिटिशर्स सिर्फ अपना फ़ायदा देखते थे और बहुत चालाकी के साथ हर चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और ऐसी कई सारी जो है आंदोलनों के बाद फाइनली हमें 1947 में आज़ादी मिली। तो जो आज़ादी हर साल हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं वो हमें आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए कई भारतीय लोगों ने, कई वीर लोगों ने जो है अपनी जानें दांव पे लगाई हैं, कई लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है, पता नहीं कितने ही लोग जेल गए, वहीं पे मर गए या फिर उनको मार दिया गया। तो बहुत से लोगों के बलिदान के बाद आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। इसीलिए हमें अपनी आज़ादी के लिए हमेशा गर्वित होना चाहिए और हमेशा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़े रहना चाहिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव कम अक्रॉस सर्टेन इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन दिस चैप्टर, आइए उनको एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलिटरेसी, इलिटरेसी मतलब अनपढ़ होना, यानी कि पढ़ना और लिखना ना जाना, यानी लैक ऑफ द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। सती, सती प्रथा के बारे में मैं आपको बता रही थी कि राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा रोकी थी। पुराने ज़माने में हिंदुस्तान में एक ऐसी प्रथा होती थी जिसको हम सती प्रथा बोलते थे। मान लो किसी लड़की का हस्बैंड, पहले बचपन में मतलब छोटे छोटे बच्चों की ही शादी करवा दी जाती थी, किसी वजह से अगर किसी लड़की का हस्बैंड यानी पति अचानक पति की मृत्यु हो जाए, है ना, तो फिर उन लड़कियों को भी पति की चिता में ही जिंदा जला दिया जाता था। इसको सती प्रथा बोलते थे, ठीक है। पॉलीगैमी मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिस और कस्टम और ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड एट द सेम टाइम, यानी बहुविवाह प्रथा। बहुत एक ही इंसान की जब दो तीन लोगों से शादी हो जाए, या एक ही लड़के की अगर दो तीन पत्नियां हो, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीगैमी, ठीक है। पर्दा सिस्टम मीन्स ऐसा एक कल्चर जिसमें औरतों को चार दीवारी में कैद कर दिया जाता था, बाहर नहीं आने दिया जाता था। रेवोल्यूशनरी, अ पर्सन हु स्टार्ट्स और सपोर्ट्स अ रेवोल्यूशन, यानी एक कोई भी इंसान जो कि क्रांति में विश्वास रखता हो या क्रांति का हिस्सा हो, यानी क्रांतिकारी, ठीक है। नाउ लेट्स क्विकली लुक ओवर व्हाट ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। सोशल रिफॉर्मर लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय एटसेट्रा वर्क टू इरेडिकेट द सोशल इविल्स, यानी सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने में इन लोगों का हाथ था। 1885 में नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इनके जो स्टार्टिंग की थी वो थे ए ह्यूम, एन इंग्लिश मैन। द स्वदेशी मूवमेंट वो स्टार्टेड टू फाइट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकने के लिए की गई थी। रेवोल्यूशनरी वाज द पीपल हु थॉट दैट वायलेंस शुड बी फॉट विद वायलेंस, यानी लड़ाई का जवाब लड़ाई से ही हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव MCQs. सो द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाई ए ओ ह्यूम, ऑल राइट। बहुत सारे और भी लीडर्स थे लेकिन फाउंडिंग मेम्बर ये थे। सेकेंड, हु डिक्लेयर्ड फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। नेक्स्ट, द डैश लॉन्च्ड स्वदेशी मूवमेंट, ब्रिटिश, मुगल्स, कांग्रेस, नन ऑफ दीज। सो ब्रिटिश के खिलाफ हमने लॉन्च किया था, सो कांग्रेस ने स्वदेशी मूवमेंट जो है लॉन्च किया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। मेनी डैश केम फॉरवर्ड टू लिबरेट इंडियन पीपल फ्रॉम देयर सोशल इविल्स, सो मेनी सोशल रिफॉर्मर्स, मेनी सोशल रिफॉर्मर्स, है ना, जो समाज सुधारक थे। सो नाउ लेट्स डू द सेकेंड वन। राजा राम मोहन रॉय पब्लिश्ड अ न्यूज़पेपर टाइटल मिरत उल अकबर, इट वॉज इन पर्शियन लैंग्वेज, थ्री, द अदर नेम ऑफ बाल गंगाधर तिलक वॉज लोकमान्य तिलक, उनको लोगों ने ये नाम दिया था लोकमान्य तिलक।
नेक्स्ट द ब्रिटिश रूलर्स वॉन्टेड टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम्स. वो हिंदूज एंड मुस्लिम्स को डिवाइड करना चाहते थे क्योंकि उनको लगा कि अगर हिंदूज एंड मुस्लिम्स को डिवाइड कर दे तो काम बहुत ईजी हो जाएगा और हम आराम से राज कर पाएंगे. फिफ्थ द डैश स्टार्टेड ए पेपर कॉल्ड वंदे मातरम मैडम भीकाजी कामा. ठीक है, मैडम भीकाजी कामा ने ये पेपर स्टार्ट किया था. ऑलराइट, मैडम भीकाजी कामा ने जो है वंदे मातरम न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था. सो आई होप चिल्ड्रन यू हैव नोटेड डाउन दीज क्वेश्चंस. नाउ लेट्स मूव फर्दर. ऑलराइट चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द ट्रू एंड फॉल्स एक्सरसाइज नंबर सी. हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है. द फर्स्ट वन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज ए ओ ह्यूम. नो, दिस इज फॉल्स. डब्ल्यू सी बोनार्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट. ए ओ ह्यूम वॉज द फाउंडिंग मेम्बर. ठीक है, नेक्स्ट, बाल गंगा तिलक रोट अगेंस्ट ब्रिटिश न्यूज़पेपर केसरी. येस इट इज़ ट्रू. केसरी उनका न्यूज़पेपर था जिसमें वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लिखते थे, यानी ब्रिटिशर्स जो अत्याचार करते थे उनके बारे में वो लिखते थे. थर्ड, बंगाल वॉज प्रपोज टू बी डिवाइडेड इन फोर पार्ट्स. नो, दिस इज़ फॉल्स. इन ओनली टू पार्ट्स. सो दिस इज़ फॉल्स. यहाँ पे ये जो फोर दिया है दिस इज़ रॉन्ग. टू पार्ट्स में डिवाइड करने का प्रपोजल आया था. ओके, फोर्थ, द ब्रिटिश लॉन्च स्वदेशी मूवमेंट. नो, द ब्रिटिशर्स डिड नॉट लॉन्च द स्वदेशी मूवमेंट. ब्रिटिशर्स के खिलाफ यानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कांग्रेस ने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया था. फिफ्थ, इन 1914 वर्ल्ड वॉर वन वॉज स्टार्टेड. येस, दिस इज ट्रू. बिल्कुल सही है, इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ था. सो चिल्ड्रेन, आई होप दैट यू हैव नोटेड द ट्रू एंड फॉल्स एज वेल. आपने ये नोट कर लिया होगा. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर क्वाइट वेल. So with this, we come to an end to today's session. A very interesting chapter we have read, जिसमें हमने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में नॉलेज लिया. हमें ये पता चला कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे, तानाशाही कर रहे थे, और किस तरीके से भारतीय लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की. ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, with this the session ends here today. I will meet you soon again with a new video where we shall learn something new and more interesting. So take care and bye bye. Meet you again soon with a new video.